तो ये हम निकल पड़े हैं जयपुर की ओर। सुबह के अराउंड 9:30 बज रहे हैं और ये हमारे घर के पास वाला मार्केट है जहाँ पे कुछ सामान लेने प्रवीण उतरा था और हम कार में उसका वेट कर रहे थे। तो घर से निकलते ही हम आ गए हैं स्कॉन टेम्पल। ये नोएडा का स्कॉन टेम्पल है। सो बेसिकली ये मेरा बर्थडे है तो बर्थडे के दिन तो भगवान को थैंक यू बोलना बनता है। तो मैं आ गई स्कॉन टेम्पल और यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। सो ये शुरुआत 18 नवंबर, हल्की हल्की सी ठंड और ये इतना ज़्यादा ठंडा था ये सरफेस जिसका हिसाब नहीं है। बट ये देखिए कितना खूबसूरत है, यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। सच में ये स्कॉन टेम्पल में पाँव रखते ही ना एक अजीब सा पीसफुल और कामनेस लगती है। बहुत मज़ा आता है। तो आप भी जाना ज़रूर इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा। तो हो गए ठाकुर जी के दर्शन, और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। बस बार बार से ये पिक ली। और अब ईश्वर की पूजा के बाद टाइम है पेट पूजा का तो हम जा रहे सेक्टर 29 की तरफ कुछ ब्रेकफास्ट ऑप्शंस के लिए। तो हम पहुंच गए एवरग्रीन सेक्टर 29 और वहां हमने खाए ये छोले भटूरे। कितने लाजवाब लग रहे हैं और बिलीव यू मी इतने टेस्टी थे कि मैं क्या ही बताऊं। और उनके साथ ये गुलाब जामुन, आय हाय 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 कमाल। सच सच बताओ किसके किसके मुंह में पानी आ गया। बट इट्स डिफिकल्ट टू मेक किड्स हैप्पी। कैसा लग रहा है टेस्ट? अच्छा ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके अब हम निकल चुके हैं गुड़गांव के रास्ते। और ये देखिए हम गाड़ी में जा रहे हैं और ये अक्षरा को नींद आ चुकी है। कैसे वो अपना जैकेट ओढ़ के सो रही है। ये है मेरा बुके जो हर साल मुझे अपने बर्थडे पे मिलता ही मिलता है प्रवीण की तरफ से। और ये हम गुड़गांव के रास्ते में हैं तो हम ये पहाड़ी वाले रास्ते से जाते हैं नोएडा टू गुड़गांव। और ये काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, जंगल जैसा एरिया है और काफ़ी रोमांटिक लगता है। जैसे मैंने हमेशा बोला है ये दो तरफ जो ग्रीनरी पेड़ रहते हैं ना, ये ऐसा मुझे बहुत रोड्स बहुत अच्छे लगते हैं। और अचानक से वेदर भी चेंज हो गया तो काफ़ी अच्छा लगने लगा। एक्चुअली मैं जा रही हूँ गुड़गांव में, क्योंकि गुड़गांव की तरफ से, क्योंकि मुझे अपने पापा से भी मिलना है। पापा आए हुए थे तो भगवान के बाद पापा को भी आशीर्वाद, पापा का भी लेना और थैंक यू बोलना तो बनता है। इसलिए गुड़गांव की तरफ से होते हुए हम जयपुर के रास्ते जाएंगे। पापा गुड़गांव में, मेरी छोटी बहन पूजा के यहाँ पे हैं इसलिए वहीं हुए जा रहे हैं। तो पहुंच गए हम एमरल्ड हिल्स पूजा के यहाँ। कितना अच्छा लग रहा है वाला पेड़। अब पूजा के यहाँ से निकल के हम अब जा रहे हैं जयपुर। और कहाँ, हमने सुबह 9:30 बजे सफ़र शुरू किया था और 2:30 बजे गुड़गांव से निकल रहे हैं तो काफ़ी लेट हो गया है। बट क्या करें, 3:30 हो चुके थे और काफ़ी भूख लग चुकी थी तो हम अपने फेवरेट ओल्ड राव ढाबे पे रुके और यहाँ पे हमने कुछ खाना ऑर्डर किया। और बैकग्राउंड में आप प्रवीण की बिजनेस कॉल तो सुन ही रहे होंगे, इससे पीछा नहीं छूटने वाला हमारा हम दोनों भूख के मारे चेहरा बना हुआ है। तो खाना लगते ही मैं आपको दिखाती हूँ। पनीर की सब्जी और ये हमारा बटर रोटी और ये भूखे लोग। माशाल्लाह कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, मैं तो अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। आई लव ढाबा फूड सिंपली। मस्त खाना खाने के बाद ढाबे की चाय तो बनती है। सफ़र रीस्टार्ट्स अगेन। इस बार मैंने अक्षरा को आगे भेज दिया और मैं पीछे जाके आराम से फैल के सो गई। इतना अच्छा खाने के बाद नींद तो आती है यार। निंदिया से जागी बाहर, ऐसा मौसम देखा पहली बार तो बेसिकली अब मैं सो के जागी हूँ और हम राजस्थान ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं। और ये देखिए शाम भी होने लगी है, और इनफैक्ट शाम क्या, बारात ही होने लगी है। और ये देखिए सिनेमैटिक व्यू कितना सुंदर लग रहा है। ओ,
वाह, जिंदगी भी ऐसे ही रफ्तार से गुजर रही है जैसे ये रास्ता खत्म हो रहा है। और फाइनली रात के 7:30-8 बजे हम पहुंच गए होटल एचआर रेसिडेंसी। होटल तो बहुत एवरेज सा था, बट उसका टेरेस वो उसका माल का। अच्छा रुको, ये मेरी कैमरा शाही बच्ची, इसको बड़ी शर्म आती है कैमरा के सामने रहने में। तो हम लोग यहाँ पे टेरेस पे आ गए थे, यहीं पे हमने केक भी मंगवा लिया था और यहाँ पे हमने डिनर भी ऑर्डर कर लिया था। काफ़ी थक गए थे इसलिए हमने सोचा टेरेस पे ही सेलिब्रेट करते हैं। ये पीछे में आपको कोई सॉन्ग सुनाई दे रहा है, ये पूरा टाइम चलता रहता था और वेदर भी इतना खूबसूरत था ऊपर कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। इट्स वेरी सूदिंग, वेरी कामिंग, क्वाइट एंड पीसफुल और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वेदर। और साइट भी ऊपर से ना लगभग जयपुर दिख रहा था, बहुत ही अमेजिंग व्यू था। फिर हम केक कटिंग शुरू करते हैं। एक्चुअली हमने सिर्फ पिक्स ही लिए थे, वीडियो था बट वो हेजी करप्ट सा था तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। अपना बर्थडे विश मांगते हुए, और ये प्रवीण का सॉन्ग मार्क द लिरिक्स। अभी तो ये पहला सावन है। व्हाट, पहला सावन है? तुसी बड़े मजाक किया। हेलो माय लवलीज, तो ये छोटा सा ब्लॉग था मेरे बर्थडे का, होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। और मैंने इसमें होटल का कोई रिव्यू नहीं किया बिकॉज ये होटल जो था वो बहुत एवरेज था और मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बुक किया था क्योंकि हमें मेरे मामा जी की एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में जाना था, इसलिए सिर्फ एक दिन हमें जयपुर रुकना था, इसलिए जल्दी जल्दी में जो भी मिला वो बुक कर दिया। प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी बहुत एवरेज ही प्रॉपर्टी थी इसलिए कुछ दिखाने लायक था नहीं। हाँ, टेरेस दिखाने लायक था जो मैंने आपको दिखाया, काफ़ी खूबसूरत टेरेस था। और हाँ, मतलब काफ़ी उस दिन तो सिर्फ ट्रैवल था इसलिए कुछ ज़्यादा और देखने को कुछ था नहीं, बट नेक्स्ट ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, तो मैंने जैसा कहा कि नेक्स्ट ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरे मामा जी का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है 25th, और उसमें हमने वापस से सारे रिचुअल्स किए हैं और हम बहुत भाई बहन सारे रिलेटिव्स बहुत दिन बाद इकट्ठा हुए थे पूरी फैमिली, तो बहुत इन्जॉय किया। एंड आई एम श्योर आपको व्लॉग देख के भी उतना ही इन्जॉयमेंट फील होगा क्योंकि मैं जब क्लिपिंग्स उनके इकट्ठा कर रही थी ना तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतना मज़ा आ रहा था फिर से देखने में कि आई एम श्योर नेक्स्ट ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ शेयर कीजिएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी क्रिसमस इन एडवांस। क्रिसमस तो मेरे ख्याल से कल है, तो इन्जॉय योर क्रिसमस एंड न्यू ईयर। Thank you. Bye-bye.